हेलो मरहबा नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमेज ब्लॉग्स एंड दिस इज योर बॉय मोहम्मद मेहताउद्दीन। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सीन ऐसा है कि मुझे निकलना था सुबह 6:30 या 7 बजे को, लेकिन एज ऑलवेज आई एम लेट, भयंकर वाला लेट हूँ मैं आज भी। और अभी बज रहे 12:09, तो सोचिए 6 बजे निकलना था मुझे, अभी बज रहा है 9 मिनट, और सॉरी 6 बजे निकलना था मुझे और अभी बज रहा है 12:09, तो सोच ही लीजिए क्या ही होगा मेरा ज़िंदगी में उन्नति। तो काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं किया था क्योंकि बनाया नहीं था, आज अगर मौका मिला है, संडे है, फ्री हूँ, तो देरी होने से भी कोई बात नहीं, वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे। इसलिए कंटेंट जो है आज का हम आपको बताते हैं। हम एक रोड पे जा रहे हैं जो रोड बहुत लोगों को मालूम है लेकिन ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, तो उस रोड पर हम जाने वाले आज। तो आज जो वीडियो बनने वाला है एक्चुअली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा क्योंकि नया जगह देखने को मिलेगा, तो मुझे चलाने में भी अच्छा लगेगा, वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि नए नए जगहों में जाने से नया नया फीलिंग आता है ना भाई साहब, बात भी नया नया निकलता है, नहीं तो सिटी के अंदर तो हमेशा एक ही बात निकलती रहता है। चलिए, हो काफ़ी गर्मी है भाई गुवाहाटी में, धूप अभी थोड़ा कम चुका है, सुबह से काफ़ी भयंकर वाला धूप दे रहा था इधर, लेकिन अभी थोड़ा धूप जो है वो हट चुका है। ऐसा लग रहा है कि बारिश देगा, अगर बारिश दे दी तो हालत पतला जाएगी क्योंकि मैं रेन गियर नहीं लाया और मेरा ग्लव्स कहीं पर घूम गया, मुझे ग्लव्स भी नहीं मिला इसलिए मैं ग्लव्स भी नहीं लाया भाई साहब। ओके चलिए, सबसे पहले करना है रिफ्यूल बाइक को। सो गाइस, तेल वेल घुसा के हम फाइनली आ चुके हैं हाईवे हमें मिल चुका है। और हाईवे का ये क्या हालत हो गया है भाई साहब, राइट साइड में पूरा हाईवे मतलब उखाड़ दिया है, ऐसा लग रहा है पूरा हाईवे ही उखाड़ दिया है। तो हमारे यहाँ पे एक्चुअली 6 लेन बनने वाला है दोनों साइड में, मतलब अभी तो दो टू लेन फोर लेन है, तो दोनों साइड में दो दो लेन बढ़ेगा, एक एक लेन बढ़ेगा शायद, हाँ तब जाके दोनों साइड से 6 लेन होगा। तो काफ़ी बड़ा और चौड़ा रास्ता बनने वाला है। बस मेरा यही दुआ है कि हम बाइकर्स के लिए भी थोड़ा कोई लेन वेन बना दिया जाए या फिर कुछ कर दिया जाए। और ये हाईवे का हालत क्या हो गया है भाई, ये हाईवे है, अरे भाई ये तो गड्ढे है, हाईवे नहीं है, गड्ढा हुए है भाई, इधर ट्रैफिक फिल्टर नहीं गद्दा फिल्टर करना पड़ेगा। कितने ही सालों बाद इस रोड पे वापस आया हूँ मैं, लास्ट शायद एक्वलेंट गया था मैं तब आया था, और उससे पहले आया था मैं जब 26 जनवरी का राइड पर जा रहे थे हम लोग, उस टाइम आए थे। तो कितने सालों बाद नहीं एक्चुअली महीनों बाद आ रहा हूँ वापस। तो वो जो पहाड़ दिख रहा है ना आप लोगों को, हमें उसे उसी साइड जाना है एक्चुअली। अभी हम लोग धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूम घूम कर उधर तक पहुँचेंगे, उस पहाड़ तक, फिर उस पहाड़ के अंदर ही अंदर से हम निकल के एक दूसरे जगह पहुँचेंगे। तो मतलब अभी थोड़ा एक्साइटमेंट आ रहा है मुझे, मतलब जितना पास अब मैं पहुँच रहा हूँ उस लोकेशन का उतना ही मुझे मतलब अभी थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट आ रहा है कि हाँ भाई कहीं पर जा रहा हूँ। और आज का जो ये राइड होने वाला है कुछ अराउंड से 100 से 150 किलोमीटर होगा घर से घर तक, मतलब पूरा घूम फिर के हम लोग फिर से 150 से 150 किलोमीटर के अंदर ही होगा जितना मुझे मालूम है, उससे ज़्यादा होता है तो पता नहीं क्योंकि मैंने मीटर भी सेट नहीं किया, रीसेट मीटर। एक काम करता हूँ, वो जहाँ से रोड डिवाइड होता है वहाँ से लगा लूँगा मैं, तब पता चल जाएगा एक्चुअली। ओहो कतई सुंदर लोकेशन में घुस चुके हम लोग। तो राइट साइड से निकल गया था चांदूबी का रोड, डिवाइड हो गया है और हम आगे सीधा, अगर आप इस रोड पे आते हो जहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा था, तो रोड सीधा सीधी है। आप लोग को आते वक्त एक बोर्ड मिलेगा मेघालय और चांदूबी, एक्चुअली मैं दिखाना चाहता था लेकिन जो मेरा गोप्रो ऑन होते होते मैंने उस क्रॉस कर दिया क्योंकि मैं 60 में था उस टाइम। तो एक आपको एक बोर्ड मिलेगा चांदूबी और मेघालय का, एक बोर्ड मिलेगा राइट साइड से चांदूबी घुसते हैं, तो वहाँ से अगर आप लोग घुसते हैं तो 18 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है चांदूबी पहुँचने के लिए, और सीधा आने से आप लोग पहुँचेंगे मेघालय की तरफ। तो जो मेघालय का रूट है, ये रूट जो है बहुत लोगों ने मुझे कहा है लेकिन मैंने कभी भी ये रूट चेक नहीं किया था, और कल गूगल मैप पे भी मैं जब ढूंढ रहा था तो ये रूट मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि देखते चलिए। और इवन यूट्यूब में भी ज़्यादा वीडियोस नहीं है इस रोड के ऊपर, तो मुझे लगा हम क्यों पीछे रहे, अगर कुछ नहीं जानते हैं, कुछ है और हम नहीं जानते हैं तो जाते हैं उसको डिस्कवर करके आते हैं, जाएंगे तब ना पता चलेगा क्या है क्या ही नहीं है।
और भाई साहब कतई सुंदर लोकेशन है यार। अय हाय दोनों तरफ पेड़ ही पेड़। वाह इधर शायद नेटवर्क नहीं होगा, बाकी सब ठीक ही होगा मुझे जितना लगता है। तो इधर एक चेक गेट था जिसमें लिखा हुआ था वेलकम टू रिभोट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है चेक गेट में मुझे रुकाया तो गया नहीं, किसी ने कुछ कहा भी नहीं मुझे, इसलिए मैं अंदर आ भी चुका हूँ। पता नहीं परमिशन लेना होता है कि नहीं होता है मुझे वो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अभी हम लोग मेघालय में, क्योंकि रिभोट जो है वो ऑलरेडी मेघालय में पड़ता है। ओके तो मेघालय का पहचान शुरू हो रहा है धीरे धीरे। कर्व्स नए रोड काफ़ी अच्छे हैं, रोड ख़राब नहीं है। मुझे लगा था कि पूरा रोड ऑफ रोडिंग मिलेगा शायद मुझे, लेकिन ऑफ रोड नहीं है, रोड तो काफ़ी अच्छे हैं भाई साहब। अब बीच बीच में गड्ढे तो होंगे हो तो भाई यार क्या ही कहेंगे आप। कि देखो इतने अंदर वाले लोकेशन में अगर रोड है वही बड़ा बात है, वही बड़ा बात है भाई साहब। कॉम्प्लेन नहीं देने का इधर आके, ठीक है कॉम्प्लेन देने का ही नहीं है, क्योंकि अच्छे इससे भी अच्छे वाले रोड उस साइड में बना हुआ है, अगर जाना हो तो उस साइड से जा सकते हो कोई बात है, हमने चूज़ किया इधर से आने का, तो इधर आके अगर कॉम्प्लेन दोगे तो लोगों से गाली करने वाले हो भाई। बढ़िया नदी है यार, नीचे उतर के नहाने को मिलता तो मज़ा आ जाता है यार। वैसे नीचे लोग नहा रहे हैं लेकिन उतरते कहाँ से मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए काहे रिक्स ले भाई। वैसे भी अपन का जगह नहीं है, कहीं ठोक ओक देगा कोई बात, उड़ उड़ जाऊँगा मैं। वो भाई क्या ही रोड है, हाय 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 मज़ा आ गया खींच के, मज़ा ही आ गया खींच के भाई साहब। थोड़ा छाव वाव मिल जाता तो मैं कुछ टाइम के लिए रुक लेता, क्योंकि तब से मैं बाइक ही चला रहा हूँ, एक डेढ़ घंटा हो चुका है। और ये रोड जा किधर रहा है मुझे बस वही जानना है, क्योंकि अगर मैं गलत घुस जाऊंगा ना कहीं से भी तो बहुत दूर मुझे ऐसी फिर से रिटर्न जाना पड़ेगा। कोई जानना चाहता, कोई मिल भी नहीं रहा कि किसी से पूछूं मैं। इधर जो जो घर से थे ना उसमें भी आदमी नहीं दिखे मुझे, तो लगता है आज किसी चीज़ का बंद है इधर। हाँ संडे वैसे भी मेघालय बंद ही रहता संडे को। ओह वो क्लाउड्स देखे ना क्या सेक्सी दिख रहे, लगता है लैंडस्लाइड हुआ इधर भयंकर वाला। ओ भाई नज़ारे, भाई नज़ारे क्या ही सुंदर नज़ारे भाई ऐसे। अरे हाय ये रोड ऐसा निकलेगा मुझे पता नहीं था, इतना सुंदर सुंदर जगह देखने को मिलेगा यार, एकदम ही पहाड़ के कोने कोने से निकल रहा हूँ मैं। देखा भाई हमारे गाड़ी के सामने बहुत अच्छे अच्छी जगह यार, हम लोगों को पता नहीं है खाली। वो तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि ऐसा एक रोड है लेकिन आधा रास्ता ठीक है उसके बाद से पूरा ऑफ रोडिंग है, लेकिन अभी तक तो मुझे उतना ऑफ रोडिंग मिला नहीं है, देखते आगे तक अगर मिलता है। लगता है शायद वो जब आया था वो 2 साल पहले का बात है, अभी शायद रोड्स बन गए होंगे, क्योंकि रोड्स तो मुझे काफ़ी अच्छे मिल रहे तब से भाई, पूरा टायर में एक रोड से बीच बीच में गड्ढा है वो तो होगा ही भाई, पहाड़ों में रोड्स होगा तो थोड़ा थोड़ा गड्ढा तो होगा ही, वो तो कॉमन बात है भाई। वो भी ऐसे वाले जगह पे जहाँ पर मतलब ज़्यादा गाड़ी वाड़ी भी नहीं ज़्यादा गाड़ी वाड़ी भी नहीं आता है, लेकिन मुझे ट्रक्स काफ़ी दिखे यहाँ पे। ओके ये रोड यहाँ से गया, वो वहाँ तक दिख रहा है मुझे रोड। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे इस एरिया पे, तो पता नहीं वो हमारे असम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है या मेघालय गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से, ये पता नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट चल रहे भाई साहब। तो वहाँ से हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं अभी, और वहाँ पे एक बोर्ड मिला था वो लिखा हुआ था कि ये मायरंग डिस्ट्रिक्ट के तरफ, तो ये हम लोग अभी फिलहाल मायरंग के तरफ जा रहे हैं। पता नहीं मायरंग किधर है वो भी मुझे नहीं पता। ML05 के गाड़ी दिख रहे हैं, मतलब शिलोंग के गाड़ी है, ML05 तो शिलोंग ही होता है, तो ML05 दिख रहा है मतलब कनेक्ट तो होगा ये शिलोंग में ही,
शिलोंग के आसपास ही कहीं पे कनेक्ट होगा ये रोड, अभी मुझे ये समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ कनेक्ट होगा वही समझ में नहीं आ रहा है। अगर ज़्यादा अंदर की तरफ भी कनेक्ट हो गया तो मैं घूम जाऊँगा, मेन रोड में कनेक्ट हो गया तो ठीक है भाई साहब। और जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑफ रोड जो है, मतलब रास्ते जो है अभी थोड़े नहीं काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, काफ़ी रोड ख़राब मिल रहा है अभी मुझे, और ज़्यादा स्पीड भी नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। मेरे ये साइड वाला मिरर का जो ये नट है, एक्चुअली इसका थ्रेड टूट चुका है तो ये बार बार नीचे चला जाता है, वो एक प्रॉब्लम है मेरा। इसका ऑर्डर किया हुआ था मैंने सर्विस में, लेकिन सर्विस वालों को 3 या 4 महीने हो चुके हैं अभी तक, उन लोग को ये वाला पार्ट लाने में टाइम ही नहीं मिला, पता नहीं क्यों, इतना छोटा सा पार्ट नहीं ला सकते लोग। दो चीज़ मुझे अभी तक नहीं मिला सर्विस में जो मैंने ऑर्डर किया था, एक तो ये कंसोल लेफ्ट साइड का, क्योंकि जो पास है मेरा टूट चुका है, और ये जो जो मैंने दिखाया जहाँ से ये कनेक्ट है मेरा क्लच और मिरर जिससे कनेक्ट होता है, जिस क्लैंप से, वो चीज़ का नट का थ्रेड टूट चुका है। ये दोनों चीज़ मैंने ऑर्डर किया हुआ लेकिन अभी तक मिला नहीं, और क्या ही धूप निकला हुआ है आज, तो अभी थोड़ा मैं मेघालय के साइड में हूँ इसलिए गर्मी थोड़ा कम लग रहा है मुझे, लेकिन धूप काफ़ी है भाई साहब। देख पा रहे होंगे आप लोग क्लाउड्स का ब्राइटनेस पूरा वाइट होके रखा हुआ है, मतलब जितना धूप होता है उतना क्लाउड का ब्राइटनेस भी वैसा ही होता है। ओ भाई साहब, अभी जो है पेट का दर्द उतरा है मेरा धीरे धीरे, इतना हिल गया है पेट मेरा इस रोड पे। इतने दिनों से मैंने ऐसे ऑफ रोड स्ट्रेच किया हुआ नहीं था, और आज फटाक से अचानक से स्टार्ट कर दिया मैंने ये ऑफ रोड करना, तो इसलिए कभी दर्द रे पूरा शरीर दर्द कर रहे, रे बाबा। सो गाइस सीन ऐसा है कि आगे मुझे एक 3 अली मतलब चौराहे मिला था, जहाँ से 3 रास्ता डिवाइड होता है, तो वहाँ से सीधा मैं आया हूँ आके, इधर मुझे नेटवर्क मिले तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मैं हूँ फिलहाल यहाँ पर पत्थर कामा में हूँ, और ये रोड देख रहे हो कितना कर्व है वैसे रोड में, तो ये रोड पूरा कर्व होकर ये पूरा ऐसे घूमा है, यहाँ पे तो भयंकर वाला घूमा है, ठीक है, ऐसे घूमा है, घूम के ये गया है मायरंग, ये रहा मायरंग, मायरंग से आगे जाकर ये नोंकासेन से घुसा है एलिफेंट फॉल्स से 4th माइल, वहाँ से निकल के आया है शिलोंग, ठीक है, वहाँ से आएगा ये गुवाहाटी तक। तो मोबाइल गर्म हो चुका है इसलिए ब्राइटनेस भी कम गया मोबाइल का खुद, ये देख रहे हो ब्राइटनेस फुल है लेकिन दिख रहा नहीं है कुछ भी, इसलिए मोबाइल गर्म हो गया, वैसे उपाय तो है नहीं। तो सीन ऐसा है कि मुझे लगा था ये 100 to 150 किलोमीटर्स का पैच होगा, लेकिन नहीं भाई साहब, ये उससे भी लंबा पैच है। तो सीन ऐसा है कि हम अभी यहाँ से रिटर्न जाएंगे, क्योंकि इतना लॉन्ग रूट मैंने सोचा नहीं था, इतना लॉन्ग रूट मुझे नहीं करना है भाई, वो भी संडे के दिन, मुझे जो था कि संडे राइड में निकलना है, थोड़ा एक अच्छे से जगह देखना है। वैसे जगह तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर लोकेशन देखने को मिला है, आगे जाए पे कहीं पे कुछ रुक के रील वील बनाता हूँ, चलिए फोटोस लेता हूँ बाइक के साथ, क्योंकि अकेला आया हूँ तो खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ, तो इसलिए यहाँ से हम जा रहे हैं वापस टूवर्ड्स आवर होम। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से आएंगे प्लान करके, 280 to 300 किलोमीटर लंबा पैच है भाई। ओके, और आपको पता ही है कि पहाड़ों में चलाना इजी नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग पहाड़ में इतना दूर हम लोग अगर जाए, अगर यहाँ पे मैप में दिखा रहे 3 घंटा, तो गारंटी है कि 3 घंटा नहीं लगने वाला, ज़्यादा ही लगेगा। 3 घंटा जो है वो शायद 50 या 60 के स्पीड में कंटिन्यू करने से मिलेगा, लेकिन रोड जो है आगे जाके और भी ख़राब होगा। यहाँ पे एक लड़का मिला था मुझे, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि आगे जाके रोड इससे भी ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने सोच रहा कि आज नहीं, नेक्स्ट टाइम किसी और दिन आऊँगा इस रोड से, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं जब शिलोंग जाऊँ तो एलिफेंट फॉल्स से आने का टाइम में उस रोड से घुस के आऊँ इस रोड की तरफ, तब जो है अच्छे से मतलब आ सकूँगा, ठीक है, लेकिन आज नहीं, आज हम नहीं जाएंगे वापस, अभी हम वापस जा रहे हैं टूवर्ड्स अपने घर। चलिए सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात। तो ये था वो गेट जहाँ से मैं अंदर की तरफ गया था, और मैंने वीडियो के दौरान एक बात बताया था, नोंगफो डिवीजन एंड्स
यहाँ पे नोंगफू डिवीजन एंड होता है। तो एक्चुअली हम लोग थे मेघालय में ही थे, एक्चुअली हम मेघालय के बैक साइड में थे क्योंकि ज़्यादातर लोग आगे से जाते हैं मेघालय का, हम लोग पीछे की तरफ से थे मेघालय में। कोई बात है, बस वो रास्ता घूम फिर के जाके आगे मेन रोड पे कनेक्ट होगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा दूर है इसलिए मैं नहीं गया क्योंकि मुझे करना था 100 से 150 के अंदर, मतलब सर्किट होने से हो जाता था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा लंबा सर्किट है भाई, तो भाई साहब इसलिए इतना भी नहीं जाना है मुझे। तो वापस से आ चुके हैं हम ये हरे भरे रोड्स में, और आगे जाके मुझे एक लोकेशन दिखा था जंगल के अंदर घुसने का, तो उस लोकेशन में घुसते हैं, अंदर क्या है देखने को अगर कुछ मिलता है तो देखते हैं। चलिए, अरे बाबू मुफस्सिल कैसा लग रहा है तेरे को तेरा जंगल रे बाबा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये था लोकेशन अंदर की तरफ, चलो जाके देख के आते क्या है अंदर। ओके 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 ओके। तो हाँ, मैं एक बात बता रहा था कि मैंने वीडियो में कहा था कि एक जगह है, ये जो जगह है इस जगह के बारे में एक स्पेशल बात मैं आपको बताना चाहता था। वो बात है कि हमारे गुवाहाटी में जितने भी गाड़ियाँ चोरी होते हैं ना भाई साहब, वो इधर से पार हो जाते हैं, वो सब गाड़ियाँ इधर से जाते हैं टूवर्ड्स मेघालय घुस जाते हैं। पूरी बाबा को क्या ही रास्ता है रे बाबा, वो रोड मतलब जितने भी गाड़ियाँ हमारे मतलब गुवाहाटी से चोरी होते हैं वो सारे चोरी होके टूवर्ड्स मेघालय इधर से ही जाते हैं। ओके गाइस, पता नहीं ये रोड कितना अंदर तक जाता है भाई, ज़्यादा अंदर मुझे नहीं जाना है, डर लगता है आपको। इधर गांव मिल गया भाई, अरे एरोप्लेन का आवाज़ मिल रहा है बाबा, अरे अंदर में तो छुटकू सा गांव है रे बाबा, हमें तो लगा था ये कोई जंगल वंगल में जा रहा होगा रोड। अरे बाबा नहीं, हम घूम जाएंगे इसे, गाँव में नहीं जाना है अपन को। चलो इधर जाके रोकते हैं, एक दो फोटो लेते हैं अपने बाइक का जंगल में, फिर निकल जाएंगे फिर से अपने घर की तरफ। चलिए, मैं क्या सोच रहा हूँ ब्लॉग को लंबा नहीं करते, ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और ये जंगल में एक्चुअली काफ़ी घना जंगल है, इधर मेरा बाइक है और एक दो घर भी है लेफ्ट साइड में, आगे में भी घर है, तो एक्चुअली ज़्यादा और लंबा नहीं करते ब्लॉग को, क्योंकि मैं निकला था जस्ट एक शॉर्ट राइड के लिए, मतलब काफ़ी लंबा राइड हो गया शॉर्ट राइड जाके मेरा। तो अभी इस ब्लॉग को और लंबा नहीं करता, नहीं तो भाई बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर घर तक अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी मैं चांदी भी नहीं हूँ, आगे निकलूँ तो दुकान भी मिलेगा, वो सब क्रॉस करके मुझे अपना सिटी मिलेगा, उसके बाद अपना घर मिलेगा, तो भाई बहुत दूर है, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आशा करता हूँ लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट इन ट्रैवलिंग होम, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ द गाइस, बाय बाय गाइस, बाय बाय।